हेलो गाइस, स्वागत है आपका आकेश टीएम चैनल पे। आज के हम बात करने वाले हैं ईशान उदय स्कॉलरशिप में जिन भाइयों का अभी भी फाइनल वेरीफाइड एमनेस्टी नहीं हुआ है, वो कब तक अपने फाइनल वेरीफाइड एमनेस्टी करवा सकते हैं उसकी डेट बताऊंगा। दूसरी बताऊंगा जिनका फाइनल वेरीफाइड एमनेस्टी हो चुका है, चाहे फ्रेश हो रिन्यूअल हो, आपका पैसा आपको कब तक अकाउंट में मिल जाएगा, क्या वो दो गलती नहीं करना है जिससे आप फंस सकते हैं, आपको पेमेंट ना मिले, तो ये सारी जानकारी मैं स्टेप स्टेप देने वाला हूं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के, लेट्स स्टार्ट। तो हम नेशनल स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं उन भाइयों को कह देना चाहता हूं जिनका अभी तक फाइनल वेरीफाइड बाय मिनिस्ट्री नहीं हुआ है, चाहे उनका फ्रेश एप्लीकेशन हो चाहे रिन्यूअल एप्लीकेशन हो, वो भाई चिंतित है, सर मेरा 32 दिन हो चुका है, सर मेरा एक महीना हो चुका है, सर मेरा 45 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक फाइनल वेरीफाइड मिनिस्ट्री नहीं हुआ है, तो सर क्या करें, फाइनली बताइए सर। तो आप अगर आए हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखना, देखिए आप जैसे यूजीसी आईसीटी सेक्शन में जाएंगे तो ईशान उदय स्कॉलरशिप का जो आप देख सकते हैं अप्लाई डेट 31/12/2022 डेट एक्सटेंड कर दिया था, उसके बाद इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन 15 जनवरी 2023। अगर आपका अभी भी इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो प्लीज 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 15 जनवरी 2023 से पहले पहले अपने इंस्टीट्यूट को बोल दीजिए सर फॉर्म को वेरीफाई कर दीजिए, वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद फिर आपका डीएनओ एसएन एमएनओ मिनिस्ट्री 31 जनवरी 2023, मतलब है कि अभी आपका चल रहा 11/12/2023, मतलब अभी भी आपका 1-1.5 महीना और बाकी है डिस्ट्रिक्ट नोडल, स्टेट नोडल और मिनिस्ट्री नोडल वेरीफाई होने में। तो आपको टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं ऐसा तो है नहीं कि आपकी डेट यहाँ पे खत्म हो गई आप परेशान हो रहे, ऐसे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि डेट एक्सटेंड कर दिया गया है आपका मिनिस्ट्री और नोडल ऑफिसर का, तो उनकी चिंता है, उनकी हेडक है, 31 जनवरी 2023 से पहले पहले आपके फॉर्म को वेरीफाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कई बच्चों का फ्रेंड जो है फॉर्म जो रिजेक्टेड हो रहे हैं, डिफेक्ट हो रहे हैं, क्यों किस कारण से हो रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा विश्लेषण कर देता हूँ जिससे आप थोड़ा सा चिंतित मुक्त हो जाएंगे। देखो जिन्होंने, या तो जैसे मान लो कोई बंदा है जिन्होंने सेकेंड ईयर में रिन्यूअल का फॉर्म भरा है, ठीक, वो बंदा फर्स्ट ईयर का अपनी मार्कशीट नहीं दिया, उसने 12th की मार्कशीट दे दिया इसने, ठीक है, तो उस डिस्ट्रिक्ट देखता है कि आपने 12th की मार्कशीट से फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया, आप सेकेंड ईयर में भी 12th की मार्कशीट को देते हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट जो मिनिस्ट्री है वो क्या कर देता है, फॉर्म को डिफेक्ट कर देता है और बोलता है आप अपने प्रीवियस जो हुआ है आपका सेमेस्टर हुआ, प्रीवियस ईयर हुआ आपका, उसकी मार्क्स आपके अपलोड कीजिए, उसकी मार्कशीट आप भेजिए। इस कारण फॉर्म को डिफेक्ट किए हैं काफी सारे, अगर आपने ऐसी गलती कर रखा है तो आपका फॉर्म डिफेक्ट होने के चांस है, डिफेक्ट हो ही जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा लेकिन जितने भी केसेस हुए हैं अभी तक आपके एनएसपी में उस हिसाब से बता रहा हूं आपका डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए ये तो ये बात, अगर बाई चांस आपका रिजल्ट नहीं है, आपने प्रीवियस कर दे दिया तो कॉलेज की हेडक है, फिर भी अगर आपका डिफेक्ट होता तो आप उसमें कह सकते सर रिजल्ट नहीं आया तो हम क्या करें, हमारी इसमें तो कोई गलती है ही नहीं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, ये तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 31 जनवरी 2023 तक है आपका, तो चिंता की आवश्यकता नहीं, वेरीफाई आपका हो जाएगा। इंस्टीट्यूट की चिंता रखिए, इंस्टीट्यूट अगर वेरीफाई नहीं हो जिस बंदे का, 15 जनवरी 2023 से पहले पहले वेरीफाई कीजिएगा। सर ये फ्रेश रिन्यूअल दोनों के लिए है? जी हाँ सर, फ्रेश और रिन्यूअल दोनों के लिए है, दोनों को फॉर्म वेरीफाई करवाना आवश्यक है। अब सर बताइए रिन्यूअल का पेमेंट कब आएगा और फ्रेश का पेमेंट कब आएगा, चला चलते हैं इस पे। तो हम एक बंदे का स्टेटस ले लिए हैं, अगर आपका मिनिस्ट्री वेरीफाई हो जाता है तो अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे चेक भी कर सकते हैं, एनएसपी में योर एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप हैज बीन वेरीफाइड एट मिनिस्ट्री लेवल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएससी की तरफ से मैसेज आपका शो हो जाएगा। अब ये कि सर बताइए एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड मिनिस्ट्री, अब जो रिन्यूअल वाले कैंडिडेट होते हैं ना उनका क्या होता है कि सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट वेरीफाई होता है, उसके बाद आपका मिनिस्ट्री वेरीफाई होता है, आधार कार्ड आपने दिया है तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। रिन्यूअल वाले में ना तो डुप्लीकेट बस सिस्टम लिखा हुआ रहता है, ना मेरिट का झंडा रहता है, और ये गाइड हो जाता है स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस फ्रॉम एनएसपी टू पीएफएमएस आपका यहाँ पे यस हो जाता है। ठीक है, ये चार प्रोसेस होते हैं रिन्यूअल में, कितने प्रोसेस, चार, दो स्टार्टिंग के हो गए, आधार कार्ड को हम छोड़ देते हैं, और एनएसपी टू पीएफएमएस आपके ये वेरीफाई होना चाहिए, यस हो जाए तो आपका अकाउंट जो है वो पीएफएमएस में चला जाएगा, आप पीएफएमएस रिकॉर्ड ट्रैक कर पाएंगे। चाहे आप सेशन 2020-21 का रिन्यूअल किए हैं, चाहे आप 2021-22 का रिन्यूअल कीजिए, मैं दोनों की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो जैसे ही आपको यहाँ पे यस हो जाएगा पीएफएमएस सर देख पाएंगे। जैसी बात है सर पेमेंट कब आएगा रिन्यूअल का, तो देखिए अभी जो एनएसपी में जो पेमेंट रिलीज हो रहे हैं ना वो हो रहे हैं सेंटर सेक्टर स्कीम में, जिनकी 12,000 स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के, चाहे प्री मैट्रिक का चाहे पोस्ट मैट्रिक, उनके पैसे रिलीज होने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कई वीडियो बता रखा है, प्रूफ भी दिखा रखा है मैंने पेमेंट किस किस रिलीज हो रहे हैं, तो अभी ये दो स्कीम के पैसा रिलीज हुए हैं, क्योंकि एनएसपी पहले क्या करती है छोटे छोटे फंड जो होते हैं ना उनको पैसा पहले लिस्ट कर, जैसे किसी का 12,000 है, किसी का 5,000, किसी का 8,000 है, किसी का 15,000 है, उनको पहले पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है एनएसपी, उसके बाद ही फिर आपका जो बड़े बड़े यूजीसी स्कीम है, एआईसीटी स्कीम है, जो बड़े बड़े स्कॉलरशिप अमाउंट है उनको फिर ट्रांसफर किया जाता है।
बात समझ में आ गया, ये पिछले साल भी हुआ था, ये साल भी लागू होने वाला है। तो ये मान चल अगर रिन्यूअल अगर आपका एप्लीकेंट आधार एप्लीकेंट वेरीफाई मिनिस्ट्री हो चुका है, स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस एनएसपी 2PF में आपका होना बाकी है, जैसे यस हो जाएगा ये वाला पोर्शन, जैसे यस होगा आप अपना रिकॉर्ड पीएफ में सर ट्रैक कर पाएंगे। और जैसे आप पीएफ में रिकॉर्ड ट्रैक करेंगे उसके एक या डेढ़ महीने में आपका, जैसे ही पीएफ में आपका रिकॉर्ड चला जाएगा उससे एक या डेढ़ महीने बाद आपका पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। रिन्यूअल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। अब सर फ्रेश की बात बता दीजिए, फ्रेश का क्या है? अब फ्रेश में ये है भाई साहब कि एप्लीकेंट वेरीफाई स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज आपका यस है, मिनिस्ट्री आपका वेरीफाई हुआ नहीं, चलो मान लेते हैं वेरीफाई नहीं हुआ आपका, आधार कार्ड आपने दे दिया यस है, आपका चेक किया जाएगा एप्लीकेशन डुप्लीकेट बाय सिस्टम है या नहीं, आपने किसी एनएसपी में दूसरे स्कीम में तो अप्लाई नहीं किया, ठीक है, तो वो आपका चेक जाएगा। यहाँ पे गलती से भी यस पाया जाता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा एनएसपी की तरफ से। आगे बात करते हैं स्कॉलरशिप सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट, इसके बाद ये रोल बहुत बड़ा रहता है मेरिट लिस्ट का। सो मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन बहुत तगड़ा रहता है यूजीसी में, खासकर ईशान उदय स्कॉलरशिप में, क्योंकि काफी सारे 2020-21 में हमने देखा सितंबर अक्टूबर मेरिट लिस्ट इशू हुआ तो तब क्या हुआ था कि स्कैम हो गए बहुत सारे, मतलब एक एक बंदों को दो तीन नाम जो डिजर्व नहीं करते उसके भी नाम आ गए, तो मतलब बहुत सारे स्कैम हमें देखने को मिल गया मेरिट लिस्ट में। तो इस साल ऐसा ना हो भगवान से ही उम्मीद है हम, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट इस बार जैसे रिलीज होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा मेरिट लिस्ट के बारे में, तो आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे यस होगा, उसके बाद फिर आपका स्कॉलरशिप प्रोसेस टू एनएसपी टू पीएफ में जाएगा। मतलब ये सारा प्रोसेस होते होते आपके मान के चलिए 4 से 3 महीने का समय आपको लगेगा, ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम बता रहा हूं 3 से 4 महीने का अप्रोक्स आपका लगेगा, क्योंकि पहले रिन्यूअल का पैसा मिलेगा उसके बाद फ्रेश का पैसा मिलेगा, तो आप सोच लीजिए कितना आपको टाइम लगने वाला है। तो मिनिमम 3 महीने इंतजार करना और मैक्सिमम आपको इंतजार करना ही पड़ेगा जब तक कोई अपडेट यूजीसी की तरफ से नहीं आता है। तो पहले तो फॉर्म को वेरीफाई कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे का पेमेंट के प्रोसेस की अगर बात करेंगे। जैसे कोई अपडेट आता है तो प्लीज बेल आइकन ऑन कीजिए, एनएसपी जितनी वीडियोस आ रही है चाहे इंटर्नशिप की आ रही है चाहे कोर्स टू आपके फायदे के लिए है, उनको प्लीज देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे आपको फायदा हो सके, हमको फायदा हो सके और जो स्कॉलरशिप